रमज़ान के जायके के सफ़र में हम आ चुके हैं गुजरात शहर के सूरत में। इस वक्त हम लोग जाफर बाज़ार में हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की रौनक और आपको रूबरू कराते हैं यहाँ मिलने वाले जायकों से। चलिए ये डिश स्वीट्स है, जैसा कि गुलाब जामुन होता है इस तरह ये दही वड़ा है, ये दही में बनता है खाली। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? देखो ये कच्चा माल है। इसमें क्या है? इसके अंदर रवा है, मैदा है और दही और घी। ये चाशनी के अंदर इसको बाद में छल ले ये मिला के ना फिर इसको बाद में बेचते हैं। हाँ तो ये सिर्फ रमज़ान के समय मिलता है? सही मिलता है, ये रमज़ान में ही मिलता है। क्या बोलते हैं इसको? खजूरी पराठा बोलते हैं इसको। खजूरी पराठा, इसमें बटर आता है और इसमें भी बटर आता है, ये पीस का एक आता है। इसको भी खजूरी पराठा बोलते हैं? नहीं, ये कुमास बोलते हैं। कुमास? कुमास। ये किसके साथ खाते हैं? सब्जी? ये गरम दूध के साथ। सहरी में? सहरी। जी भाई, आपका नाम क्या है? सबीर पटेल। और सिर्फ आप बन मस्का बेचते हैं? हाँ, बन मस्का बेचते हैं। कब से आपकी दुकान? बहुत जूनी दुकान है मेरी तो। कब से? 1958 से। 1958 से? हाँ। तो ये पाव कहाँ से आता है और मक्खन कहाँ बनता है? पाव उन पाटिया से आते हैं और मक्खन चौक बाजार से आते हैं। सफ़ेद मक्खन? हाँ, वाइट मक्खन आते हैं। तो आप कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं? मैं 24 घंटे चालू रहते हैं। 24 घंटे? 24 घंटे। तो कोई और रहता होगा ना? हाँ, दूसरा मेरा साला रहता है, वो नाइट में आएगा। अभी रमज़ान में 24 घंटे आधे दिन सुबह 7 से रात को 11 बजे तक। और तो लोग इसको चाय के साथ पसंद करते हैं खाना? बहुत अच्छा, बहुत चलता है हमारे। कि ऐसे खाते हैं? नहीं नहीं, यूँ भी खाते हैं, जेली वाले खास बताकर पसंद करते हैं। तो ये जैम वाला मस्का है, पाव के एक तरफ लगाया गया मिक्स फ्रूट जैम, एक तरफ लगाया गया वाइट बटर, इसके पीसेस बनाए गए और पीसेस के बीचों बीच भी मक्खन लगाया गया है। मतलब ऊपर भी नीचे भी हर तरफ मक्खन ही मक्खन है। हैं? हाँ। क्या बात है। और इसका हम लोग जायका लेंगे चाय के साथ। हमने चाय टी कप और सॉसर में तो पी है, यहाँ पे ग्लास और सॉसर में चाय सर्व की जाती है। और जिस शॉप पे हम लोग हैं, शॉप का नाम लिबर्टी टी स्टॉल है। जो चाय बना रहे हैं उनका नाम करीम खान जी है। बन मस्का हम लोग शबीर भाई के यहाँ से लेके आए हैं जैम के साथ में। वाह, चारों तरफ से मक्खन में लबालब। एक तरफ आपका जैम है, एक तरफ सफ़ेद मस्का है और सॉफ्ट पिलोई पाव। मिक्स फ्रूट जैम की मिठास और सॉफ्ट पाव। बिना नमक वाला मक्खन और असल बन मस्का खाने का मज़ा इस मक्खन के साथ ही है, ना कि नमकीन मक्खन के साथ है। बहुत शानदार। मुन्ना भाई, हमको बताइए ये जो मिठाइयाँ अलग अलग रंग बिरंगी दिख रही है, ये क्या है? वो हमारी जब पुरानी झटपट की मिठाई है, 35 साल हो गया है और ये तीसरी पीढ़ी चलती है। हमारे लाड़ी को 35 साल हो गए और पहले हम सोन हलवा, अजमेर का हलवा आता था उसी चालू किया था, उसके बाद हमने लाड़ी चालू की और ये सब जात की मिठाई हम खुद बनाते हैं। खाजा इसको बोलते हैं, ये सिर्फ मैदा का पर का आएगा और ऊपर चाशनी वाला आएगा। और ये मावे का समोसा बोलते हैं, उसके अंदर मावा आएगा वाइट। तो जब शुरुआत हुआ था, हाँ, तो उसमें यही फ्लेवर आता था, यही फ्लेवर, एक ही फ्लेवर बनता था। इसको बोलते हैं गुलाब गारी। हाँ, गुलाब गारी रोज़ बोलते हैं। तो ये जो परत बनी हुई है सब मैदे की है? हाँ, ऊपर मैदे का पर आएगा और इसके अंदर 50 से 60 ग्राम मावा आएगा। वाह। इसके टेस्ट की बात की जाए
तो जो टेक्सचर है बिल्कुल खाजा से मिलता जुलता है, ऐसे वेफर होता है उसकी तरह है क्रिस्प, और अंदर में जो गूई टेक्सचर है मावे का उसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये आपके 6 अलग अलग फ्लेवर्स हैं, इसमें गुलाब है, ब्लूबेरी है, मैंगो है, ब्लैक करंट है, चॉकलेट है और पाइनएप्पल है। हाँ क्या बात, मुझे याद हो गया। ये ड्राई फ्रूट हलवा है, स्पेशल ड्राई फ्रूट, मलाई मावा है और ये अखरोट का है मावे में, ये स्पेशल वाला है और ये नॉर्मल मावे वाला। तो स्पेशल वाला खाते हैं, ये ड्राई फ्रूट है। वाह, ये सारा खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हैंडमेड, एवरीथिंग हैंडमेड। क्या बात है। अच्छा रफीक भाई, हमें ये बताइए, इस पराठे को रंगूनी पराठा ही बोलते हैं? हाँ, रंगूनी असल नाम इसका रंगूनी पराठा है। तो रंगून तो बर्मा में है। हाँ, तो मेरे बाप दादा रंगून से इधर आ गए तो और मैंने ये पराठे चालू करे थे, और सूरत के अंदर पराठे चालू करने वाले मेरे बाप, मेरे अप्पा और मेरे दादा। तो वहाँ भी ऐसे पराठा मिलता है? हाँ, ऐसा रंगून, ये असल रंगून का ये आइटम। कई जगह पे इसको बैदा रोटी भी बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, बराबर है। कई जगह पे इसको बर्मा रोटी भी बोलते हैं। बराबर। कहीं इसको पलाटास बोलते हैं। हाँ, सऊदी में इसको मुतबक बोलते हैं। बहुत तो इसको मुगलई पराठा भी बोलता है, मुगलई पराठा भी बोलता है। मैं तकरीबन है ना कम से कम 38 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। 38। वो अभी मेरा आया, वो मेरा लड़का था। तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन लगाते हैं? हफ्ते में एक दिन यहाँ पे लगते हैं, रविवार, संडे संडे, और रमजान का अखा महीना यहाँ लगता है। इसी नाम से कौसर पराठा। हाँ, कौसर पराठा। हाँ बाप, तो आप लोग के यहाँ फ्राई का भी है, और जैसा सर बता रहे थे ओवन का भी है। अब ओवन का भी शुरू कर दिया है। ओवन का भी शुरू, 7 साल हुआ इसको भी चालू करने के। अच्छा रफीक भाई, हमारे लिए एक चिकन ओवन पराठा लगा दीजिए। हाँ इंशाल्लाह लगा देता हूँ। तैयार हो गया? हाँ हो गया। तो आपकी जो ये शॉप है ये सिर्फ एक महीने के लिए लगती है? हाँ, ये सिर्फ एक महीने की लगती है, और उसके बाद कंप्लीट ईयर ओनली संडे। ऐसा क्यों कि बाकी 6 दिन क्यों नहीं? ये पब्लिक का, इस पब्लिक की डिमांड ही ऐसी है। ये रमज़ान में कंप्लीट चलता है, उसके बाद पब्लिक कंप्लीट ईयर नहीं खाती, सिर्फ संडे संडे उनकी डिमांड होती है। ये कंप्लीट ईयर का बिजनेस है ही नहीं। बहुत से लोगों ने ट्राई भी किया कंप्लीट ईयर करने का, पर वो रिज़ल्ट नहीं मिला। तो ये ओवन बेक पराठा आपने ही शुरू किया? हाँ, ये स्टार्ट करने वाले पहले हम पिछले तकरीबन 8 से 9 साल से बेच रहे हैं, 8-9 साल से। जो असल है वो फ्राइड वाला है? हाँ, असल जो है जो फ्राइड वाला है वो तकरीबन पिछले 100 साल से मिल रहा होगा, पर ये ओवन वाला पिछले 8-9 साल से हमने स्टार्ट किया। लोगों की डिमांड रखते हुए कि भाई, कई लोग आते थे भाई ऑयल नहीं चाहिए, थोड़ा ऑयल निकाल देना या कर देना, तो एक बस ट्राई किया था तो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन आपने इसमें थोड़ा गुजराती टच डाल दिया, चीज़ डाल के। हाँ, यहाँ के लोगों को चीज़ काफ़ी पसंद है ना। गुजराती लोग किसी भी चीज़ में चीज़ डालो उनके लिए वो प्रीमियम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उनकी डिमांड। आपने इसमें प्रोसेस्ड ग्रेटेड चीज़ कर दिया थोड़ा सा, और साथ में चाट मसाला भी है, प्याज है और नींबू है। नींबू है इसके साथ, चटनी अपनी कोई नहीं खाता, सिर्फ इसके साथ प्याज और नींबू चाहिए होती है। ये 4 वेराइटीज़ में अवेलेबल है, चिकन, मटन, टिक्का, मच्छी मसाला। मच्छी भी डालते हैं इसके अंदर? नहीं नहीं, मच्छी मसाला मतलब चिकन ही आता है, पर उसके अंदर फिश मसाला आता है उसके अंदर। तो पार्टी ऑर्डर्स, ये शादी, सूरत में शादी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और स्पेसिफिकली मुस्लिम शादियों में आपको मोस्टली मिलेगा ये चीज़, रंगूनी पराठा। हाँ, इसलिए कम्प्लीट ईयर्स पार्टी ऑर्डर्स या मैरिज ऑर्डर से बहुत अच्छा। जो फिलिंग है वो फ्राइड पराठे की और बेक पराठे की दोनों की सेम है। इसके अंदर में बैदा गया है, मतलब अंडा गया है, 2 अंडा गया है, उसके बाद चिकन कीमा है, प्याज है, काली मिर्च है, एक मिक्सर था हरी मिर्च और धनिया, धनिया पत्ती का बना के वो डाला हुआ है, और प्याज भी सिर्फ प्लेन प्याज नहीं है, जो कंप्लीट जो पराठे का मेन मसाला होता है ना वो उस प्याज में होता है। क्या होता है वो, कैसे तैयार करते हैं? उसमें जीरा आता है, धनिया आता है, फिर अलग अलग 3-4 और मसाले आते हैं उसमें। चलिए अब जायका लिया जाए बेक पराठे का। बहुत शानदार, एकदम अंदर से लेकिन ड्राई है,
ड्राई रखते हैं वो बेक है, ड्राई आएगा अगर फ्राई लेते हो आप तो अंदर थोड़ा बहुत वेट आएगा बिकॉज ऑफ ऑयल एंड ऑयल। ये हमारे यहाँ पर गुजरात सूरत के आसपास नवसारी हो गया, यहाँ पर तो आसपास के सारे गांव हो गए, छोटे छोटे टाउन हो गए, वहाँ से पब्लिक से स्पेशली बेट पराठा खाना। जो पहले हमने खाया था वो बेक पराठा था, ये फ्राइड पराठा है और ये इसकी स्टफिंग जो इसके अंदर है वो मटन की है। मेन टेस्ट फ्राइड का आता है। मैं बता ये भी है ऐसे जो अंडा डालते हैं अंदर में बेक अंडे का पता नहीं कैसा फ्लेवर है लेकिन फ्राई होने के बाद इसमें फ्लफीनेस आ जाता है, फ्लफीनेस जो सही बात अंडे का, और उसके बाद जो लेयर है अच्छे से क्रिस्पीनेस इसमें आ जाता है फ्राई करने के बाद। जो है ना वो मोस्टली जिनको हेल्थ इशू होते हैं कुछ ऑयल से या कोलेस्ट्रॉल का वही प्रीफर करते हैं, वरना मोस्टली लोग फ्राइड प्रीफर करते हैं। मैं भी रिकमेंड करूँगा फ्राइड पराठा ही खाने का, अगर एक्सपीरियंस करना है एक बार तो फ्राइड पराठा ही खाएँ, बेक जो रेगुलर खा रहे हैं उनके लिए ठीक है। हेलो अनुभव, कैसे हैं आप? चले चले। वेलकम अनुभव, वेलकम टू माय प्लेस। थैंक यू। तो शुरुआत मिठास से। यस। एक इट्स अ ट्रेडिशन, मतलब कभी गेस्ट कभी भी घर पे आते हैं तो वी जस्ट वी ऑफर देम स्वीट्स। ये थाल का स्टैंड, ये तरकटी बोलते हैं इसको, इसको चिलमची लोटा बोलते हैं। सर हमें बोरी मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बताएंगे। सो बोरीज वी आर स्पेस नॉर्मली कॉल दाऊदी बोरास, शिया मुस्लिम्स, और हम लोग अवर फोर फादर्स 800 साल पहले यमन से, वी बिलोंग टू यमन, यहाँ से वहाँ से माइग्रेट होके यहाँ पे गुजरात पे आए थे एंड गुजरात पे खंबात पे आए थे एंड देन वहाँ से वी स्प्रेडेड ऑल अक्रॉस द गुजरात एंड द मेन स्ट्रीम कम्युनिटी इज इन गुजरात, यहाँ पे जो बेस्ड है पूरा एंड फार आउट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जिस इलाके में हम लोग बैठे हुए हैं झापा बाजार जी, तो यहाँ पे मोस्टली रहते हैं आप कम्युनिटी के लोग? झापा बाजार के अंदर मेन स्ट्रीम मुस्लिम्स एंड दाऊदी बोरास बोथ, दोनों ऑन एन एवरेज 50-50 है। ऐसे आप बता रहे थे मुझे कि कम्युनिटी किचन है जी, वो कैसे फंक्शन करता है? सो वी आर कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम मुस्लिम्स, हमारा एक कंसेप्ट है फैजुल मवादिल बुरानिया, जो एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इट्स अ कम्युनिटी किचन जहां पे वी ऑल टुगेदर पार्टिसिपेट एंड वहां से हमारा एक कम्युनिटी किचन है और वहां से हम लोग को रोज़ एक टिफ़िन आता है खाने के लिए, जो हमारे सैयदना साहेब सैयदना मुफद्दल अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन उनका जो मैसेज है कि कोई भी भूखा सोना नहीं चाहिए दाऊदी बोरा कम्युनिटी के अंदर, तो मैसेज और उनके विजन को लेके ये कम्युनिटी किचन स्टार्टअप हुआ है फैजुल मवादिल बुरानिया, जिसके तहत हर दाऊदी बोरा घर के अंदर टिफिन जाता है, हर रोज जाता है वर्ल्ड वाइड जहाँ पे अगर एक घर भी होगा तो वहाँ पे भी टिफिन जाएगा। रमजान के अंदर भी कम्युनिटी, रमजान में तो ज्यादातर 100% फास्टिंग होता है तो दिन में तो कोई खाना होता नहीं है और इवनिंग में जब हम लोग इफ्तार नमाज के लिए रोजा जब इफ्तार के लिए मतलब जो इवनिंग नमाज होती है मगरिब की उसके लिए हम जब मस्जिद में जाते हैं तो हमारे यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट है कि मस्जिद में हम लोग जाएंगे तो अजान हो जाएगी, नमाज हो जाएगा, नमाज के बाद में वी ब्रेक आवर फास्ट जिसको इफ्तार बोलते हैं और उसके अंदर सिंपल सा एक बस ये खजूर रहता है या कुछ बिस्किट चाय और किसी हर एक जगह पर अलग अलग सेंटर्स रहते हैं, कहीं पर गर्म दूध दिया जाता है, कहीं पर चाय मिलती है, बस इतना होता है हमारा इफ्तार, मतलब पूरा जो मेन स्ट्रीम जो इफ्तार होता है जो कंसेप्ट है वो दाऊदी बोरास के अंदर इट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड, साइंटिफिकली ऑल्सो इट हेल्प्स क्योंकि पूरा दिन फास्ट करने के बाद पूरा अगर आप हेवी चीज़ें लेंगे तो इट अपसेट्स योर टमी, सो वी ब्रेक आवर फास्ट विद वेरी नॉर्मल एंड वेरी सिंपल, जैसे डेट्स है, मिल्क का ग्लास या तो चाय का ग्लास पी लिया, आपका जैसे बोलते हैं ना वार्म अप, आपका जो डिनर के पहले होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इस थाल के बताइए क्या प्रोसेस है? See, we start with salt,
नमक एक पिंच चटते शुरू होता है। लोग पूछते हैं कि खाने से पहले नमक, तो नमक क्या करता है कि इट क्लेंजेस योर टेस्ट बड्स, इट एक्टिवेट्स देम, एक्टिवेट्स योर पैलेट, फूड पैलेट, तो खाने के अंदर और मज़ा आता है, आपका बैलेंस हो जाता है। नमक चखने के बाद दिस इज़ कॉल्ड सोदन्नू। ये बेसिकली जस्ट राइस और शुगर इन्फ्यूज्ड राइस, जिसको खाना खाने से पहले एक मीठा मीठा मुंह मीठा जिसको करते हैं ना, तो सोदन्नू मीठे चावल से इनको ये सकन बोलते हैं हम लोग, शुकन का बोलते हैं। तो ये मलीदा है जो ट्रेडिशनल बोरी मिठास है, ये बनता है गेहूं से, गुड़ से और घी। सो दिस इज़ वेरी ट्रेडिशनल और ड्राई फ्रूट से गार्निश किया हुआ है। उसके बाद होती है खारास, जो एक सेवरी डिश है। तो खारास के अंदर वी हैव ग्रीन कलेजी, इज अ मटन लिवर्स कुक्ड इन ग्रीन चटनी, और दिस इज नॉर्मली ईटन कोल्ड, आप खा सकते हैं। उसके फॉलोड बाय दैट रोटी और सब्जी, ये है पात्रा गोश्त, पर्वत पत्थर विला लीव्स जिसको बोलते हैं अरबी लीव्स, अरबी का पत्ता, अरबी का पत्ता। तो अरबी का पत्ता उसको बेसन के अंदर, स्पाइसेस के अंदर मैरिनेट करके, स्टीम करके, मटन के साथ रोल बना के उसको मटन के साथ कुक किया है। एंड ये लाल बटेटा, लाल बटेटी, ये साइड डिश है जिसको एक सैलेड जैसे बोलते हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी कॉमन हाउस होल्ड। और इसको आप ऐसे भी खाइए, और ये इमली की चटनी है उसके अंदर डिप करके भी खाइए जैसे भी, तो इमली की चटनी भी है। एंड मेन कोर्स के अंदर दिस इज़ कारी, मटन कारी, कोकोनट बेस्ड स्ट्यू है मटन का, और इसको खाया जाता है नॉर्मली राइस के साथ। ये स्टीम्ड राइस है, और इसके ऊपर जो बोलते हैं बिरिस्ता, फ्राइड अनियंस, उसे गार्निश करके इसके साथ खाया जाता है। चलिए शुरू किया जाए। यस यस, आपको अब उसका थोड़ा इफेक्ट लगेगा। प्लीज घी शक्कर, घी शक्कर एंड चावल, चावल। तो स्पेसिफिकली इसको क्या है कि जब वो प्लेट में पर, जैसे अभी ये राइस बना है तो उसी वही राइस, ये इसी राइस का बनता है, इसका कोई अलग से बनता नहीं। लेकिन राइस रखेंगे, इसके ऊपर शक्कर डालेंगे और घी डालेंगे, लेकिन उसका उसको हिलाना नहीं है, हिलाना नहीं है, उसको मिक्सअप नहीं करना है, जैसे आया बस उसे उसे, ये एक ट्रेडिशन है। अभी उसका क्या हिस्ट्री है वो आपको पता है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है, घी और गुड़ दोनों का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ये बटाटा है? यस yes, आलू, आलू। ये एज पर योर एपेटाइज, इतना तीखा रखना ही रख सकते हैं, हम लोग थोड़ा कम खाते हैं इसलिए मॉडरेट होता है। मुझे तो सादा ज़्यादा मजा आया। सादा वो टैंगी, ये थोड़ा फिर थोड़ा खट्टा मीठा हो गया। हाँ, बाहर जो अगर बाजार में मिलता है ना वो इतना स्पाइसी होता है, अगर मुझे खाना है ये मुझे अच्छा लग, लेकिन बहुत स्पाइसी है तो मैं क्या करूँगा, तो उसको चटनी में डुबा दूँगा। तो मतलब आलू को उबाल के उसके बाद उसका ये फ्राई कर देते हैं मसाले लगा के, राई और धनिया पत्ती, लाल मिर्च सब डाल के। खाना सब गर्म तो खाया होगा आपने, पर ठंडा पहली बार खा, फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। और ये आपको यहीं पे मिलेगा बोरी, एक मैंने वहाँ पे मुंबई में बोरी मोहल्ला में डिश खाया था जी, उसको तो क्या बोलते हैं, पात्रानी बिरयानी बोलते हैं, पात्रानी बिरयानी, पात्रानी बिरयानी। उसको ये इसमें वो सिमिलर होता है, लेकिन ज्यादातर खीमा ज्यादा उसके अंदर यूज होता है, मिंस्ड मीट, और ये थोड़ा ग्रेवी वाला ढीला रहता है, वो बिना रोटी को खाते हैं। शोरबा, शोरबा जिसको बोलते हैं। ये माइल्ड है, माइल्ड स्पाइसेस में। ये किससे से बनता है, क्या क्या होता है इसमें? गुड़, पानी, नींबू। तो ये पानी आपको सूदनेस करता है, मतलब पेट ठंडा कर देगा, ठंडा रहेगा, खाना भी हजम हो जाएगा। एंड फिर से इन करने के लिए फिर नमक, यस, नहीं फिर टेस्ट मेरा खराब हो जाएगा, नहीं होगा, ये आपका अच्छा हो जाएगा, मुंह साफ हो जाएगा। आपने शरबत पी लिया, शरबत वापस टेस्ट बिल्डअप कर देगा, एक ले लेना, बाकी शरबत हम लोग ना इसके बाद में पीते, बाद में पीते। अच्छा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा ज्यादा लेना, पिंच लेना, हाँ गर्म है, वही अच्छा है कि सारा ऑयल निकल जाएगा जो भी, ये वही, ये इसी रीजन है, बस बस
ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट श्रेडिंग्स, बेसिकली तो गुटखा का जो मतलब है दैट इज अपना ये मुखवास, उसका एक अलग वर्ड है ये गुटखा, एक स्लैंग है जो कॉमन शब्द का यूज करता है। ये भी अच्छा है, माउथ फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर बोल लीजिए। जो एक ट्रेडिशन है स्पेसिफिकली फॉर डाउरीपुरा, जब भी गेस्ट आते हैं खाना खाते हैं और जब भी डिपार्ट करते हैं हम उनको अत्तर लगाते हैं ताकि वो याद करें, याद करें और उसकी जो स्मेल वेल भी रहे और वो जो आपका ये जो खाने का है अच्छा आपको और थोड़ा और एनहांस करेगा। और हम लोग ज़्यादातर ये वो अरेबियन फ्लेवर से बनाते हैं, जब जब खुशबू आएगी खाने की याद आएगी। हाँ पहचान गया, दो बरस पहले आए, तीन बरस पहले आए, आप वही आए बराबर। बासित भाई के साथ आया था। हाँ बासित भाई का इंतकाल हो गया। बासित भाई ना उन्हें राजी। इसके पहले आए आप। बारिश का दिन था, बहुत बारिश, बहुत बारिश हो रहा था सुबह में, सुबह में भी शाम में भी आए बराबर है। चलिए आपको याद है। याद है उसको। क्या चल रहा है काम? बस अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी दुआ अच्छा चल रहा है अभी। अब अच्छा है, वही सब आइटम मिल रहा है अभी। ये वही सब आइटम मिल रहा है, भेजा फ्राई है, अंडा चापे स्पेशल है, ये सादी चाप है, नली चाप है, बुर्दा है, ये सब अपना वेरायटी होती है। खीरी कलेजी बुर्दा थी, चिकन चाप, अंडा चाप, नली चाप, भेजा फ्राई, ये सब अपना वहाँ स्पेशल। ये दादा का धंधा असल है एकदम जूना, बोलू भाई नान चावल है। चलिए एक नान चाप बना के हम लोग ओके आपको आपको टेस्ट दिखा दिखा दीजिए। ओके कीमा है, कीमा, ये कीमा फ्राई होता है, अक्की बॉडी होती है कीमा टाइप करके, इसमें नान में बना हुआ है, सेपरेट होता है तो सेपरेट, नान में चाहिए तो नान में आपको ऐसा इसमें, ये देखो ये सेपरेट होता है तो सेपरेट, नान में होता है इतना नान में, ये सेट को इधर दो। शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके सर, हैं इसी तरह यहाँ के लोगों को ये उम्दा जायका दिलाते रहिए। ओके ओके सर, चलिए ठीक है, ओके। ब्लैक करंट, मैंगो मलाई, ड्राई फ्रूट हलवा, ये क्या करता हूँ, मैंगो मलाई, ये मैंगो मलाई, ये सालों में मिलता है। यस वाह, लग रहा है कलाकंद खा रहे हैं। कलाकंद फ्लेवर जैसे होगा नीचे मैंगो वाला। हाँ, मैंगो फ्लेवर है, फ्लेवर है। और ये फेमस है सूरत का भावा गुलाब, और भावा गुलाब बादाम जितना, ये रोज जिसको बोलते हैं। अच्छा, रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं क्योंकि वो ये पिंक कलर के अंदर है और लगता है जैसे गुलाब का फूल है। और ये वाला, ये घारी, घारी, यस, ये भी मावा ही होता है ड्राई फ्रूट के अंदर और घी के अंदर डिप्ट किया होता है, घी आता है ना, इसको जाम खम्बाल या घी बोलता है, तो इसको पहले गर्म करके डालता है फिर उसको जमा देता है, तो वो घी की परत बन जाती है, कंसिस्टेंसी उसकी आ जाती है। घारी बोलते हैं, घारी, घारी, घारी। मैं खाया था, मुझे याद आ रहा है पिछली बार कहीं पे, अब पता नहीं कहाँ खाया, भागल पे खाया होगा शायद, जो एक पूरा ट्रेडिशनल दुकान है वो भागल पे आप घारी वाला है। अंदर में क्या है ये? ये मावा है, मावा, ड्राई फ्रूट और मावा का पूरा पिस्ता घारी। यस, ये अपना रेगुलर पिस्ता वाला है। ये लग रहा है पूरा मुंह घी घी हो गया, घी वाला और मावा वाला हो गया। पगला पगला मिठाई जो है वो पूरे इंडिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता अपने यहाँ से। आप रमजान में नहीं मनाते? जी रमजान में मनाते। ये तो बड़ा हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट रहा, मतलब सूरत का दोबारा चक्कर लगना पड़ेगा इस मिठाई के लिए। ये बनता कैसे है? ये मैदे का पतला पड़ होता है और बीच में ड्राई फ्रूट है, मावा भरा होता है, उस टाइप में सतला पतला बनता है, स्वीट्स ट्राइंगल शेप में, ये टाइप की स्वीट स्वीट आती है। उसकी रेसिपी भी बिल्कुल आपके से फैमिली के पास और किसी के पास नहीं है जी, और कोई नहीं बनाता है, तो ऐसे ही दिखता है जी। ये हाँ, ये इसका मावा है और ये ऊपर ये कवर होता है मैदे का जो है पतला। जस्ट वन बेकर बट मैनी टेकर्स, इसी ट्रायंगल शेप में आता है। जी जी ऐसे आता है। ये आपका आर्टिकल्स हैं जी जो छपा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, सागला बागला, जस्ट वन बेकर बट मेनी टेकर्स, फिलो पेस्ट्री विद अ मावा इज मेड बाय अ सिंगल फैमिली सिंस 112 इयर्स। अब तो और हो गया होगा क्योंकि ये 2013 का आर्टिकल है जी, जी। तो लगभग अब इसमें 112वें 10 साल ऑलमोस्ट जोड़ लिया, 122 साल हो गए जी। तो नाम क्या है? मेरा नाम आरिफ मोहम्मद सैयद है। एक्चुअली मेरे को कस्टमर बापू सुल्तानी से जानते हैं।
बापू सुल्तानी चिकन। बापू सुल्तानी चिकन जी। आपकी कब से है ये शॉप यहाँ पे? ये मेरे पापा के टाइम से है, 1985 से चालू है। तो ये जो आपका स्टोव है इसके बारे में बताइए, हाँ, कैसा काम करता है? चूल्हा है और ये ओवन है, इसको पैसे रखते हैं। उसके अंदर मिट्टी का तेल है, केरोसिन पे बनता है और ये असल तंदूरी है। तंदूरी और पूरे सूरत की जगह पूरे गुजरात में नहीं मिलेगा आपको। मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं है। और आपकी भगवान की प्रार्थना है, दुआ है अल्लाह की के चला करता यहाँ। 130 रुपीज का एक चिकन का पीस बेचता हूँ मैं। तो कैसे, पहले चिकन को पहले मैरिनेशन करते हैं कुछ? मैं पहले लाता हूँ चिकन, सुबह में लाता हूँ 12:30-1 बजे, दो धार के उसको रक्त टुकड़ा वगैरह सिकाप विकाप मारते हैं। और उसके बाद ये बच्चा है मसाला लगाता है और लगभग 3 घंटे आट के रखते हैं। और 8:45 को यहाँ पे मैं चालू कर देता हूँ मैं, और सुबह में 3:30 बजे तक चलता है। तो यहाँ के लोगों ने आपको नाम दिया है बापू सुल्तान? बाप नहीं, मेरे पापा अपने से हमारी यानी कि हमारी शाखा है सैयद, सैयद के नाम को बापू बोलते हैं, तो हम बापू के नाम से चलता है। बापू सुल्तानी चिकन मेरे पापा के नाम से चलता है। बापू सब कोई पप्पू भाई बोलता है, कोई मेरे को बापू बोलता है, असल मेरा नाम मोहम्मद सैयद है। बापू जी देखिए, हाँ चार लेग पीस। चले बापू भाई, हमारे लिए एक लेग पीस लगा दीजिए। जी बना दूँ। बड़ा तंदुरुस्त मुर्गा है। स्पाइसी, हाँ मसाले से भरा हुआ। ये मेरे से पूछ रहे थे पहले कि आपको टेस्ट सही हल्का चाहिए, मैंने कहा नहीं ज़्यादा मत देना, हल्का देना मेरे को। ओ भाई साहब, फिर पता बनाया है, क्या चाट मसाला भी डाला है, लेकिन ये जो तंदूर है इसका जो स्मोकीनेस का जो फ्लेवर है वो अलग ही आता है। ये आपको चाट उसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओपन है, जो ओपन जो बाबे होता है ये ढक देता है, तो उसका जो चाट फ्लेवर जो स्मोकी फ्लेवर आता है वो इसके अंदर ये केरोसिन वाले के अंदर ही मिलेगा, ये अपने को ओपन वाले। और ये भी है जो ढक देते हैं तो पूरे अंदर से सबसे पक जाता है, सॉफ्ट भी है जूसी भी है, अंदर से जो थोड़ा टेक्सचर लग रहा है वो बॉयल टाइप है, जो बाहर से वो तंदूर का फ्लेवर है चिकन में। हाँ हाँ गरम है। इसके अंदर चार टेस्ट ज़्यादा मिलेगा अपने, जो पूरा ऊपर से क्रिस्पी होगा। बहुत लोग क्या करता है गर्दन का पीस नहीं खाता है, नहीं खाता है, लेकिन मुझे गर्दन अच्छा लगता है, गर्दन अच्छा लगता है, वो तंदूर के अंदर ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ कादर भाई, आप कब से है यहाँ पे? ये कम से कम 10 बरस हुए, 10 बरस से हो। ये सब खुद बनाते हैं आप? खुद बनाने का भेजा गुर्दा हमारा फेमस है, और खीमा पाया, ईरानी कबाब कोफ्ता मसाला। ईरानी कबाब कौन सा होता है? ईरानी कबाब कोफ्ता मसाला आएगा। ये क्या है? चिकन मसाला। चिकन मसाला। और ये? ये चाप मसाला। चाप मसाला आएगा। चिकन लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप तो फ्राई होता है, हमारा यहाँ ऐसा चलता है ग्रेवी टाइप, सेमी ग्रेवी, सेमी ग्रेवी। अभी मैं खिला दूँ तुमको? मैं तो वो खाऊंगा भेजा। भेजा फ्राई है। भेजा फ्राई है। यहाँ इतना लाउड क्यों है? लाउड इसलिए क्योंकि रमजान है। और इतना भयंकर, मतलब इतना शोरगुल है, इतना तो मुंबई मोहम्मद अली रोड में भी नहीं था। ये तो खासियत है सूरत की, जाबा बाजार की। इनका इधर भी दुकान है, इधर भी दुकान है, आम सामने दुकान है, और दोनों जगह किराया है। कादर भाई इधर आइए, ये है यहाँ के ओनर कादर भाई। कादर भाई, इनकी दोनों दुकान चल रही है, और पीछे ये 12 हांडी भी है। 12 हांडी है ये। 12 हांडी 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना है ये। 10 साल हुआ। ये 10 साल हो गए। ये 10 साल हुआ अभी दुकान को। अच्छा, ये मगज है, भेजा है? भेजा है, मगज बकरे का, बकरे का। और ये ऐसा उठाने का, एकदम लगा मलाई खा रहे हैं।
बटर की तरह एकदम मुंह में जाके पिघल गया बहुत ज़्यादा। और टेक्सचर जो है बिल्कुल ऐसे स्क्रैम्बल्ड एग होता है उससे मिलता जुलता है। इनफैक्ट मालूम है मेरे को बता रहा था ये तो बिल्कुल सामने बना रहे हैं बहुत जगह रेस्टोरेंट में भेजे बोल के अंदर में अंडा भी मिला देता है ना खाने में पता नहीं चलता ना। हाँ ये तो एकदम क्रीमी टेक्सचर है मतलब भूल गया मुझे बहुत बढ़िया खाता भाई ये हमारी मेन बोलिए भेजा जी वो नहीं मिलेगा हमारे वहाँ इरफान भाई ये बारह हंडी क्या होता है? ये बारह हंडी एक्चुअली ऐसा होता है कि बारह जात की सब वेराइटियाँ होती है। इसमें क्या क्या होता है अलग अलग हांडी में? मटन होता है, पाया होता है, फिर चिकन मसाला होता है, हांडी चिकन होता है, निहारी भेजा होता है, ऐसा सब आइटम सब होता है। सब अलग अलग हांडियाँ बनता है? सब हांडियाँ अलग अलग बनता है। चिकन भी बनता है सब अलग अलग वेराइटियाँ बनता है। तो चिकन में मिला देते हैं पाया मिला चिकन है। चिकन पे पतीले में बनता है उसको हांडी में से एडजस्ट करके हम लोग इसको बना के देते हैं आपको। लेकिन जो ट्रेडिशनल डिशेज है उसमें क्या क्या नहारी है पाया है हाँ पिछोटा है नहारी है जबान है मिक्सर है गोश है सूखा है और पाया है नली सूप देते सूखी ग्रेवी में नली डाल के देते हैं ऐसा सब वेराइटी बना के देते हैं। अरे सब मिला के देते हैं उसको भेल बोलते हैं। हाँ उसको भेल भी देते हैं अलग नली अगर किसी को नली खाना है तो नली देते हैं किसी को पाया खाना है तो पाया देते हैं। ये हांडी में से मतलब में सब एडजस्ट करके देते हैं। और पकता है इस हांडी में कि अलग से पकता है? नहीं इस हांडी में पकता है और अंदर डेग है ना वो डेग में पकता है। तो ये कहाँ से यहाँ से आग जाता है? अंदर चूल्हा है। और कब मिलना शुरू होता है ये? इफ्तारी के टाइम से चालू हो जाता है सुबह सहरी तक। हाँ सहरी तक चालू रहता है। सहरी का वक्त ख़त्म होता है ऐसे दुकान बंद। रमजान का ये शेड्यूल है। आपका दुकान कितना पुराना है? ओ 100-120 साल पुराना होगा। ये पाँचवीं छठी पीढ़ी चल रही है हमारी। सूरत ने बारांडी की शुरुआत करनार अहमद भाई मेरे दादा थे और उसके बाद बाबू भाई बारांडी मेरे अब्बा है मेरे फादर है वो उन्होंने मतलब में सूरत ने पूरा नाम कमाया इसका बारांडी का शुरुआत करना सूरत ने अपने। और ये जो डिश है बारांडी कहते हैं लोग ईरान से सूरत आई ऐसा है क्या? अरे वो तो अब अपने को क्या पता दादा परदादा के टाइम से अपने। और ये जाफरानी टिक्का ये बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट है यहाँ पे छोटे मियाँ बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट है मतलब आराम से बैठ के आप यहाँ पे आराम से बैठ के उनका ओपन किचन है नीचे बारबेक्यू का और यहाँ पे सिटिंग एरिया है फैमिली के लिए तो आराम से बैठ के। लेकिन इसके नाम ने उसे रखा है विंटर है विंटर मतलब ठंड में जब ऐसे सफ़ेद बर्फ होती है उससे मतलब इतना तो मिलता जुलता नहीं है बर्फ़ से लेकिन हाँ हल्का व्हाइट कलर का इसलिए व्हाइट कलर। चलिए अपन जो लेग देखते हैं वो नॉर्मली रेड बेस्ड होता है तंदूरी के अंदर वो वाइट बेस्ड है इसलिए उसको शायद विंटर चिकन बनाते हैं। मीठा है हाँ मतलब फुल ऑन क्रीम लगा हुआ लगता है क्रीम लगा हुआ है। ये तंदूरी चिकन भी है अफगानी चिकन भी है दोनों का मिक्स है। ये अच्छा है मतलब विंटर से अच्छा है जरा रिच है क्रीमी है बटरी है और डिस्टिंक्ट टेस्ट है पूरा उसका अंदर तक जो बारबेक्यू खाते हैं जो स्पाइसी होता है जी जी सटल है और कॉम्प्लीमेंट करता है। अच्छा एक बात मैं देखा है यहाँ पे हर चीज़ एक्स्ट्रा वैगेंट होता है। पान की वैरायटी देखिए कुल्फी की वैरायटी देखिए मतलब फायर पान हर जगह एक ही तरह का मिलेगा। यहाँ पे फायर पान कलकत्ती फायर पान तो कहर पान भी चॉकलेट फायर में स्ट्रॉबेरी मतलब चॉकलेट डिप पान मिलेगा चॉकलेट शेडेड पान मिलेगा आपको
श्रेडेड आइस पान मिलेगा, पान की भी वैरायटी है बहुत सारी। थैंक यू हमजा भाई आपके समय के लिए। अरे नहीं, बहुत मजा आया जापा बजा के, फुड वॉक करके। क्योंकि मैं इसे एक्सप्लोर नहीं करता जैसे आप एक्सप्लोर करते हैं। आई एक्सप्लोर देयर एज अ कस्टमर, बट टुडे आई वाज अ फूड ब्लॉगर जस्ट लाइक यू, एक्सपीरियंसिंग इट एंड यू नो टेस्टिंग द, क्या बोलते हैं, जो स्वाद जो होता है एग्जैक्टली, जो कैसे बनाते हैं कैसे, वो बहुत मज़ा आया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अरे आई होप आपको मज़ा आया होगा। बहुत मज़ा आया, बहुत जापा बाजार में हमेशा जब भी आया हूँ, सेकंड टाइम आया हूँ मैं, थर्ड टाइम आया इनफैक्ट, जब पिछली बार आया था दो दिन आया था जी, दो दिन आया था, और ये थर्ड टाइम हुआ। और बहुत प्यार मिलता है यहाँ के लोगों से, और लोग अभी भी लोगों को याद है, जहाँ भी जा रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि तीन साल पहले आप सुबह 4 बजे आए थे, आप यहाँ गए थे वहाँ गए थे, तो ये प्यार है लोगों का।